नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कंप्यूटर टेक चैनल। आज हम आपको झारखंड कल्याण के बारे में बताने जा रहे हैं कि क्यों नहीं आपका पैसा आया और किन कारणों से नहीं आया। तो अभी तक इसका समय है आपका पैसा आने का, तो अगर आपका पैसा नहीं आया तो इस वीडियो को देखिए। और अभी बहुत समय है, अगले बार ऐसा गलती ना करें जिसकी वजह से आपका पैसा नहीं आए। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा किन कारण से आपका पैसा रुक जाता है, तो ताकि आप दोबारा गलती ना करें। तो इसी के बारे में आज हम जानकारी देंगे और किन किन छात्रों का पैसा अभी तक नहीं आया है और आएगा कि नहीं आएगा, तो इसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत कई का बहुत वजह हो सकता है। तो देखिए, बहुत कई का बैंक खाता जो है आधार कार्ड से लिंक नहीं रहता, और ई कल्याण कभी भी पैसा आधार कार्ड से लिंक नहीं रहेगा तो ये पैसा आपको नहीं देगा, क्योंकि आधार कार्ड के ही थ्रू पैसा आपके बैंक में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपने आधार कार्ड को अभी तक बैंक खाते से लिंक नहीं कराए हैं तो लिंक करा लें, ताकि अगली बार से कोई दिक्कत ना हो। और बहुत कोई का देखते हैं कि फॉर्म फिलअप में ही बहुत कोई गलती कर देते हैं, तो आप ध्यान रखें कि आपका 2 महीने का समय मिलता है एडिट करने का। आप अप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं, तो आपका पैसा समय पे फिर आ जाएगा। तो ये गलती आप ना करें। तो आप कहाँ से एडिट कर सकते हैं वहाँ बताएंगे आपको कैसे जाना है। तो और भी वजह हो सकती है, जैसे फैमिली इनकम जो होता है आप लोग गलत डाल देते हैं, सर्टिफिकेट में कुछ और रहता है और अप्लीकेशन में कुछ और डाल देते हैं, तो ये भी वजह होता है। तो दिखाते हैं आपको, अगर आपका पैसा नहीं आएगा तो आपको साफ साफ नोटिस दे दिया जाएगा कि आपका पैसा किन कारणों से नहीं आया। तो चलिए देखते हैं। और आपने अभी तक बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो सबसे पहले लिंक कर लीजिए, ताकि आप अगली बार जब भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपका पैसा 100% आएगा। ई कल्याण की तरफ से पैसा हमेशा खाता में भेज दिया जाता है, जब उनका कोई भी डॉक्यूमेंट ही इलीगल या गलती होती है तो वो पैसा को नहीं भेजता है। तो बाकी सारे स्टूडेंट लोग को मिल गया है पैसा, फर्स्ट सेमेस्टर का भी मिल गया है, रिन्यूअल वाले को लगभग मिल गया है, तो आप देख सकते हैं, फ्रेश वाले को नहीं मिला है। तो देखिए, इसमें 11th 12th का भी अभी पैसा नहीं आया है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका पैसा आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपका पैसा आया नहीं तो किन कारणों से नहीं आया, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, क्या आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा काहे नहीं आया। तो आपका नोटिस आपके ई कल्याण के वेबसाइट में दे दिया गया होगा कि आपका पैसा काहे नहीं आया। तो चलिए ई कल्याण को ओपन करते हैं। देखिए, ये झारखंड ई कल्याण का वेबसाइट है, आप ई कल्याण सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट खुल कर आ जाएगी। तो आपको देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आप अपना जान सकते हैं कि आपका पैसा क्यों नहीं आया। तो इसके बाद देखिए, स्टूडेंट लॉगिन पे सेलेक्ट करना है, इसके बाद अपना नाम लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और पासवर्ड को डाल लीजिएगा। ठीक है, और कैप्चा कोड को फिर डाल देना है इसके बाद। उसके बाद देखिए, यहाँ साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख रहे हैं,
इस तरह से खुल कर आ जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ, अगर आप पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको 2 महीने का समय दिया जाता है एडिटिंग का, आप एडिट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। तो और दिखाते हैं, चलिए आप, आपका पैसा किन कारणों से नहीं आया। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन स्टेटस, आप यहाँ से स्टेटस चेक कीजिए और पता लगाइए कि आपका पैसा किन कारणों से नहीं आया। तो जैसे देखिए मेरा एक बार नहीं आया था, 16-17 का था शायद, देखते हैं। हाँ देखिए 16-17 का है, और देखिए ये पैसा किन कारण नहीं आया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फैमिली इनकम है जो कि 6,50,000 कर दिया गया था गलती से। तो मेरा पैसा यहाँ इसलिए नहीं आया, तो यहाँ स्टेटस में लिख दिया गया कि आपका पैसा किन कारण नहीं आया। तो देखिए योर फैमिली इनकम विल बी मोर देन 1.5 लाख, तो इसके लिए एलिजिबल नहीं थे हम स्कॉलरशिप के लिए, तो इसलिए हमारा पैसा नहीं आया, आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। तो देखिए आपका भी यहाँ जो भी जिन कारण से आपका पैसा नहीं आया, यहाँ आपको नोटिस दे दिया गया होगा कि आपका पैसा क्यों नहीं आया, बैंक का आधार लिंक नहीं है क्या, आप फैमिली इनकम ज़्यादा डाल दिए हैं क्या, है सब डिटेल यहाँ दे दिया जाएगा आपका क्यों पैसा नहीं आया। तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अगर अभी तक आपका फाइनल अप्रूवल दिख रहा है तो आपका पैसा आने का उम्मीद है, और अगर नहीं लिख रहा है तो आपका पैसा नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इलेक्शन का चल रहा है, अभी इलेक्शन का टाइम है, तो पैसा आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तो देखिए मैं 15 मई तक लगभग सारे स्टूडेंट का पैसा आ जाएगा, और 15 मई से 30 मई तक पैसा आ जाने का उम्मीद है, तो इलेक्शन के बाद ही उम्मीद रखिएगा। तो झारखंड में जान रहे हैं अभी इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन होने के बाद ही कुछ हो सकता है, तो आप तब तक वेट करें, आपका पैसा आ जाएगा अगर सारे डॉक्यूमेंट आपके सही हैं तो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम स्कॉलरशिप की जानकारी लाते रहें, इस चैनल में लाते रहते भी हैं बहुत सारे। और अगर आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं तो इकलियन के वेबसाइट में जाकर फॉर्म भरते रहिए, पैसा आपका मिलता रहेगा, और समय समय पे अपना फैमिली इनकम बना लीजिएगा, ताकि जब भी आप फॉर्म भरें तो फैमिली इनकम दें एक्सपायरी, क्योंकि 6 महीना में ही हो जाता है। तो स्कॉलरशिप की आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।